बीती 23 जुलाई को 32वां जन्मदिन मनाने वाले लेग ब्रेक बॉलर युजवेंद्र चहल भारतीय बॉलिंग का पिछले कई साल से अहम हिस्सा बने हुए हैं। ये उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में भी साबित किया। चहल ने चेसमैन नेशनल अंडर 12 चैंपियनशिप जीतने के बाद इस उम्र की कैटेगरी में एशिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी की। अब हम आपको दुनिया के कुछ और क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट के साथ साथ एक अन्य खेल में भी अपना सिक्का मनवाया। बैटिंग की बात हो तो ऑल टाइम ग्रेट्स में डॉन ब्रैडमैन के साथ वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स का नाम भी लिया जाता है। वेस्ट इंडीज को 1975 और 1979 में दो बार ODI वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का हिस्सा रहे रिचर्ड्स क्रिकेट में लोहा मनवाने से पहले फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी रहे। रिचर्ड्स ने वेस्ट इंडीज में शामिल अपने देश एंटीगुआ एंड बारबुडा के लिए 1974 फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैचों में हिस्सा लिया था। किंग रिचर्ड्स के नाम से मशहूर ये प्लेयर इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल FC के डाई हार्ट फैन हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को भारत में इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने 2007 में खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में युवराज सिंह से तकरार की थी और उसी के बाद युवराज ने इंग्लैंड के बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। फ्लिंटॉफ ने 2009 में क्रिकेट से रिटायर होने के बाद बॉक्सिंग को अपनाया और इस खेल में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया। क्रिकेट में ऑल टाइम ग्रेट फील्डर्स का नाम लिया जाए तो साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स का नाम सबसे ऊपर आता है। कम ही लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में जगह बनाने से पहले जॉन्टी हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। जॉन्टी उस हॉकी टीम का हिस्सा थे जो 1992 ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। 1996 में चोट लगने की वजह से जॉन्टी हॉकी टीम में शामिल नहीं हो पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एलिसे पेरी अपने देश की पहली ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के ही वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट और फुटबॉल नेशनल टीमों में एक साथ एंट्री की थी। 2009 में ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली पेरी ऑस्ट्रेलिया की अगले 3 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रही। 2013 में पेरी ने ICC ODI वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया। टीन एज में माटिल्डा के लिए खेलने वाली पेरी ने 2011 में वर्ल्ड कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की थी। वाकई जहां नेशनल लेवल पर एक खेल में ही जगह बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, वहां युजवेंद्र चहल समेत इन प्लेयर्स का दो दो खेलों में दक्षता रखना बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।